अगली खबर भी मिर्जापुर से। आपको बता दें, मड़िहान तहसील परिसर से सीज हुई जीप गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। आनन फानन में एक व्यक्ति को बैठाकर पूछताछ करी जा रही है। 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन उप जिलाधिकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कई वाहन सीज किए गए थे। वाहनों ने जुर्माना अदा कर वाहन छुड़ा लिया था, लेकिन एक वाहन अभी भी मड़िहान तहसील परिसर में खड़ा है। सोमवार के सुबह तहसील अधिकारियों की नींद खुली तो परिसर से जीप गायब थी, जिसे देखकर तहसील में हड़कंप मच गया और इधर उधर पूछताछ करी जाने लगी। वहीं बताया जा रहा है कि पटरी थाना क्षेत्र निवासी पंधारी चौहान की जीप अवैध परिवहन सीज के द्वारा सीज कर दी गई थी और तहसील मड़ियान की सुपुर्दगी में रखी गई। मड़ियान थाने में एक पुलिसकर्मी के द्वारा वहीं से उसे रिलीज दे दिया गया था। तहसील प्रशासन पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। क्या नाम है आपका? पंधारी चौहान। गाड़ी खड़ी थी जो जीप यहाँ, हाँ, अब कैसे क्यों लगे हैं? सर, कोर्ट से आदेश आया है, आदेश कराए हैं थाने के लिए, थाने से हमको भेजे हैं कि जाओ अपनी गाड़ी तहसील में लिखा पढ़ी की करवाएं, कागज है हमारे पास, दिखा दें आपको। सर, कागज दीजिए, पढ़ना है। हाँ, बताइए। और जो है कि वहाँ से लिख करके आदेश किए हैं, उसके बाद फिर गाड़ी छोड़े हैं थाने वाले, जबकि 2 दिन पहले आए थे तो थाने वाले ये बोले। थाने का कोई स्टाफ था जब गाड़ी ले गए थे आप? हाँ, बोले कि वहाँ पे 2 लोग हैं, जाइए हम फोन कर दे रहे हैं। कोई था यहाँ पे जब आप गाड़ी लेके गए थे? हाँ, वहाँ 3 लोग बैठे थे सर, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले, किसी से आप कुछ कहे नहीं है नहीं, गाड़ी अपने? हाँ, वो लोग कुछ बोले नहीं, हम सब भाई फोन करके बोले हैं, आदेश किए हैं तभी ना बोल रहे हैं, आदेश काफी हम लिए थे वहाँ पे है। क्या नाम है आपका? पंधारी। कहाँ रहने वाले हैं? मिर्जापुर। किस जगह के? रायपुर, दुबई। गाड़ी का नंबर कितना था? UP 7240।